दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड महिला क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय महिला टीम का मध्य क्रम आज फिर खराब लय में दिखा, लेकिन निचले क्रम की बदौलत टीम ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट के चौथे और अंतिम दिन 8 विकेट पर 305 रन बना लिए हैं। इस तरह से मैच का ड्रॉ होना तय है। स्नेहा राणा नबात 72 रन बनाकर खेल रही है, उन्होंने और शिखा पांडे ने 8वें विकेट के लिए 41 रनों की अहम साझेदारी निभाई। स्नेहा और तानिया भाटिया 9वें विकेट के लिए 65 रनों की नाबाद साझेदारी कर चुकी है। वहीं टीम इंडिया को 140 रनों की बढ़त मिल चुकी है और सिर्फ 25 ओवर का खेल बाकी है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 396 जबकि टीम इंडिया ने 231 रन बनाए थे। ऑफ स्पिनर नेहा ने 4 विकेट लिए हैं और वे डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक और 4 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी। भारत ने 1 विकेट पर 83 रन से आगे खेलते हुए लंच तक 171 रन बना लिए थे, जिसमें दीप्ति शर्मा ने 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं दीप्ति ने पूनम राउत के साथ 72 रनों की भागीदारी की, लेकिन लंच से पहले आउट हो गई। लंच के बाद इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 2 झटके दिए। कप्तान मिताली राज को 4 विकेट पर और राउत को सस्ते में आउट कर दिया, जिससे स्कोर 5 विकेट पर 175 रन हो गया। वहीं कप्तान मिताली राज एक्लेस्टोन की गेंद को नहीं पढ़ सकी, जिससे उनके स्टंप उखड़ गए, जबकि अच्छी लय में दिख रही राउत स्क्वायर लेग पर सीधा कैच देकर आउट हो गई। पूजा वस्त्रकार ने फिर 68वें ओवर में एक्लेस्टोन पर 3 बाउंड्री लगाई, जिसके बाद 71वें ओवर में हीथर नाइट ने उनका विकेट लिया। पहली पारी में महज 4 रन बनाने वाली उपकप्तान हरमनप्रीत कौर भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकी और एक्लेस्टोन का चौथा शिकार बनी। वहीं शिखा और स्नेहा ने मिलकर 8 चौके लगाकर कुछ रन जोड़े। इससे पहले भारत ने सुबह 1 विकेट पर 83 रन से आगे खेलना शुरू किया था, जिसके बाद सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 30वें ओवर में एक्लेस्टोन का शिकार बनी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।